बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस सिद्रा मलिक है और मैं गार्ड्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में तदरीसी फ़राइज सर अंजाम देती हूँ। मैं जमात पंजुम में आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। जमात पंजुम के मिकाते अव्वल सन 2020 में शामिल होने वाले असबाक के नाम दर्ज ज़ेल हैं। नंबर एक, नज़म हम खुदा की शुक्र गुजारी। नंबर दो, अजीम माओ के अजीम बेटे। नंबर तीन, किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। नंबर चार, ड्रामा मोहम्मद अली। नंबर पाँच, कौमी तराना। मैं आज आपको ऑक्सफर्ड उर्दू की किताब गुले लाला की नज़म हम समझाऊंगी। ये नज़म हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने खुदा की शुक्रगुजारी के नाम से हमारी किताब में लिखी है। आज का हमारा मौजू है हम। हम उस नज़म को कहते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की शान, बड़ाई और बेशुमार नेमतों की तारीफ बयान की जाए। आज हम की बुलंदखानी करेंगे। खुदा की शुक्र गुजारी, इनायत का उसकी बयां क्या करें। अजब नेमतें उसने बख्शी हमें, ज़मीं अपने बंदों के रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली, बुझाने को प्यास इनकी पानी दिया, पकाने को दी आग इसने बिना, अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा, कहीं फूले हैं सूंघने के लिए, कहीं इसने खाने को मेवे दिए, जबां दी के बोला करे सच सदा, निगाह दी के देखे भला और बुरा, दिए कान सुनने को बातें हमें, समझ इसलिए दी कि सोचे इन्हें, दिए हाथ हर काम के वास्ते, दिए पांव सैर और सफर के लिए, हमें रात दी इसने आराम को, हमें दिन दिया मेहनत और काम को, जो कामों से होती न फुर्सत कभी, तो जीने की फिर कोई सूरत न थी, उठाते न तकलीफ गर काम की, तो लज्जत न पाते कुछ आराम की, हमेशा हमारी खुशी के लिए नए मौसम आते हैं और दिन नए, बहुत जब सताती है सर्दी हमें, तो वो भेज देता है गर्मी हमें, बहुत जोर करती है जब गर्मियाँ, तो बरखा से होता है ठंडा जहाँ, समा है हमारे लिए नित नया, न गर्मी सदा है न सर्दी सदा, खुदा ने हमें दी बड़ी नेमतें, हमें चाहिए शुक्र इसका करें। आज हम के नए अल्फाज की बुलंदखानी करेंगे और साथ साथ मैं आपको इसके मायने भी बताती जाऊंगी। नए अल्फाज, इनायत, मेहरबानी, निगाह, नज़र, निगाह, बरखा, बरसात, बयां करना किसी मौजू की तफसील, समा, मंजर, सदा, हमेशा। आज मैं आपको नज़म हम खुदा की शुक्रगुजारी के बंद नंबर एक की तशरीह समझाऊंगी। इस बन में शायर अल्लाह ताला की मेहरबानियों और बेशुमार नेमतों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के रहने के लिए ज़मीन दी है। इस ज़मीन पर रहने के लिए बंदों ने अपने लिए घर बनाए ताकि हम उसमें रह सकें, अस्पताल तामीर किए ताकि उसमें हमारा इलाज हो सके, स्कूल तामीर किए जहाँ से हम तालीम हासिल कर सकें, हमारे सांस लेने के लिए हवा बनाई, यानी दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ज़िंदा रहने का
सामान तैयार कर दिया था। अब मैं आपको बंद नंबर दो की तशरीह समझाऊंगी। इस बंद में शायर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी प्यास को बुझाने के लिए हमें पानी जैसी नेमत से नवाजा, जिसे पीकर हम अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। भूख को मिटाने के लिए हमें अच्छे अच्छे रिस्क से नवाजा, हमारे लिए बेशुमार अनाज पैदा किए, इन अनाज को पकाने के लिए आग बनाई, हमारे लिए फूलों से महकते हुए बागात अता किए और इन बागात को खुशबू से महका दिया, हमारे लिए तन्हा तन्हा के खुश्क मेवे पैदा किए जो हमें सेहतमंद रखते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने जो कुछ सीखा उसका अगर हम जायज़ा लें तो आज हमने नज़म हम खुदा की शुक्रगुजारी की बुलंदखानी करने का तरीका, नए अल्फाज और उनके मायने सीखे, बंद नंबर एक की और बंद नंबर दो की तशरीह सीखी।